ऑलराइट गाइस, आज हम लोगों को बिग हेड के प्रिजन से एस्केप करना होगा। बिग हेड के प्रिजन से निकलना इतना आसान नहीं है, और यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, लेकिन मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। फटाफट चलते हैं, मुझसे आगे कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता है, फटाफट से आगे चलते हैं। ओके ना गाइस, ओपन कर लिया, यहाँ आ चुके हैं। वेट करना पड़ेगा स्टोन, क्योंकि अंदर बाहर होता है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा ना मैन। लेकिन इस बार हम लोग अच्छी तरीके से निकल सकते हैं। तो गाइस, हम लोग इसके ऊपर तो आ चुके हैं, सामने बटन है, दबाते फटाफट से दबा दिया और आयरन प्लेट खुल के आ चुका है। अब हम लोग जा सकते हैं, और ध्यान रखना है नीचे ट्रैप है काफ़ी खतरनाक सा, किल नहीं होना हम लोगों को। और मैं बच गया, अंदर चलते हैं टनल में और देखते हैं ये टनल मुझे कहाँ लेकर जाएगा। मुझे नहीं पता ये टनल कहाँ लेकर जाएगा। ओके, सामने बिग हेड बेरीज है, ये मेरी ओर आएगा, उसने मुझे देख लिया है, बिग हेड बेरीज ने मुझे देख लिया है और ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। स्टेयर्स की मदद से फटाफट से ऊपर चलते हैं गाइस। तो हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं। ओके, सामने एरो का सिंबल है, उस तरफ जंप कर जाते हैं, क्योंकि अब मेरे पीछे बिग हेड नहीं आ रहा है, दिक्कत वाली सीन नहीं है गाइस। हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, इसके ऊपर चलते फटाफट से। ओके, बहुत सही है मैन, इस सिंगल पाइप पर से हम लोग क्या करेंगे, डबल पाइप पर जंप करेंगे, और डबल पाइप पर हम लोग आ चुके हैं। फटाफट चलते हैं टनल के अंदर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं टनल के अंदर। टनल के अंदर साथ ही हम लोग पहुँच जाते हैं बिग हेड के टॉयलेट के अंदर। ये रहा, ओपन किया डोर। ओके, पहले से यहाँ पे सुरंग बना हुआ था, हम लोग आ चुके हैं, और उसका जो पिलर है, जंप करेंगे। यहाँ का लावा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हद से ज़्यादा, देख रहे हो क्या ही खतरनाक तरीके से खोलने का एनिमेशन दे रहा है, मतलब दे चुका है, काफ़ी ऑसम है। दबाते हैं बटन, इसे ग्रीन करते हैं, ग्रीन कर दिया, अब यहाँ से निकल चलते हैं। बहुत सही है मैन, और हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं, अब हम आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। ऑल राइट, हम लोग आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं फटाफट से। यहाँ तो लावा लावा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है अभी मैंने जंप नहीं किया था, लेकिन मैं बच गया, ये सबसे अच्छी बात है। ओके, यहाँ भी आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ भी आ चुके हैं, आगे बढ़ते फटाफट से, गोला जाने का वेट करेंगे, और ये गोला जा चुका है। लेकिन मानना पड़ेगा बिग हेड के प्रिजन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। स्टेक किया, गोला फिर से आएगा, यह आया गोला और ये चला गया है गोला। ओके, आगे चलते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्टे करेंगे। ओके, यहाँ पर हम लोग स्टे कर चुके हैं, अब ये सबसे लास्ट है हमारा, देखते हैं क्या सीन होगा गाइस। ये वुड का लेडर पहले से यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, आ चुके हैं यहाँ पर संभल के, ये गार्ड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मुझे किल कर सकता है। व्हील घुमाते फटाफट से, तो मैंने यहाँ पे व्हील घुमा दिया, लेकिन पहले अटेम्प्ट पूरी तरीके से फेल रहा। ओके, ये व्हील नहीं घुमा है अभी तक, इसका मतलब मुझे व्हील घुमाने के लिए फिर से उसी के अंदर जाना होगा। तो चलो फटाफट से अंदर चलते हैं, आ चुके व्हील घुमाने के लिए, लेकिन इस बार भी मैं व्हील को नहीं घुमा पाया, और उसने मुझे एक बार किल कर दिया, लेकिन अब मैं किल होना नहीं चाहता उसके हाथों, इसे तो मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करूँगा चाहे जो भी हो जाए। फटाफट चलते इस तरफ। ओके, इस बार हम लोग व्हील घुमाते फटाफट से, तो मैंने इस बार सटीक तरीके से घुमा दिया व्हील, अब हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और जैसे हम लोग इस रूम में आते हैं, यहाँ पर वाइट स्टेयर्स है, बीच बीच में टूटा हुआ है, तो मुझे कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए जंप करके चलेंगे ऊपर, और मैं वही कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग जा रहे हैं ऊपर। यह स्टेयर्स बीच बीच में टूटा हुआ है, लेकिन दिक्कत वाली सीन नहीं है, हम लोग मैनेज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आ चुके हैं ऊपर, ये रहा लिफ्ट, और जैसे हमने लीवर को टच किया वैसे ही हमारा लिफ्ट हो चुका है एक्टिवेट। ओके, ऊपर चलते फटाफट से। ओके, वो रहा मेरे सामने वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन का यूज़ करेंगे फटाफट से। ऑलराइट गाइस, अब देखना मज़ा आएगा, और हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी आ चुके हैं, स्टोन के वॉल पर से हम लोग जाएंगे यहाँ पर, आयरन के प्लेट पर आ चुके हैं, आयरन के प्लेट पर, और कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए जंप करना पड़ेगा। फिर से आ चुके हैं स्टोन के वॉल पर। ऑलराइट, यहाँ भी आ चुके, एक बार और जंप, और ये सबसे लास्ट जंप होना चाहिए। आ चुके हैं, ये रहा लेडर, और लेडर की मदद से फटाफट से ऊपर चलेंगे गाइस, एक और लेडर है। ओके, और इसकी मदद से हम लोग ऊपर आ चुके हैं, सामने एरो का सिंबल है वॉल पर, और मुझे इस तरफ जाना है। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पर, एक लेडर पहले से ड्रॉप होता है, रहने देते हैं, मुझे इसके लेडर से ज़रूरी नहीं है। ऊपर चलते फटाफट से, अब देखते हैं कहाँ मुझे ये लेडर लेके जाएगा, मुझे नहीं पता। ओके, और जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, एयर प्रेशर कुछ ज़्यादा है, हमें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन हम अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से ले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ओके ना गाइस, ओके। ये रहा लेडर, इसका यूज़ करेंगे और फटाफट चलते हैं। सामने पाइप है और ये पाइप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं। रास्ता बहुत खतरनाक है, मैन देख रहे हो क्या ही खतरनाक तरीके से हम लोग जा रहे हैं। ओके, हम एक एक करके ना सारे व्हील को पूरी तरीके से क्लोज करना पड़ेगा, पूरी तरीके से घुमाना पड़ेगा। यहाँ भी आ चुके हैं जहाँ पे व्हील हम लोग घुमाएंगे। वो तो मैं पाइप को पार कर रहा था, लेकिन अब हम लोग व्हील को घुमा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। उसके बाद नीचे भी जंप करके आ चुके हैं और मैंने इसे पूरी तरीके से घुमा दिया है। अब हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं, यानी कि दो व्हील को मैंने पूरी तरीके से घुमा दिया है। अब चलते हैं फटाफट से इसके ऊपर। यहाँ पे पहले से लेडर लगा हुआ है, इस बार देखते हैं क्या सीन होगा। और सच में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जंप करते हैं, यहाँ पर आ चुके, व्हील घुमाते घुमा दिया और ऊपर का पाइप बंद हो चुका है। अब हम लोग आसानी से इस रास्ते से, सामने जो टनल मुझे दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों को भी दिखेगा, हम लोग जा सकते हैं वहाँ पर। आ चुके हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर चलते फटाफट से। सामने देख सकते हो टनल है और मुझे उसी टनल के अंदर जाना पड़ेगा। आ चुके हैं और जंप करके चलते हैं, अभी आ चुके हैं। और अब देखते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए फटाफट से। ओके, और यहाँ का काफ़ी ख़तरनाक सा ट्रैप है, मुझे अपने कैरेक्टर को ना सही तरीके से लेके जाना होगा और मैं वही कर रहा हूँ। अपने कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से आगे ले जा रहा हूँ और ये सबसे लास्ट हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, हम लोग आ चुके हैं, फटाफट से ऊपर चलते हैं और अब देखते हैं कि क्या कर रहा है। ओके, ऑलराइट, दूसरा बार ट्राई करेंगे गाइस। ओके, आ चुके इसके अंदर, बहुत सही है मैन, बहुत ही ज्यादा सही है। ओके, मेरे सामने सेफ है, बिग हेड का सेफ है और ये मुझे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे पहले मैं ही इसे किल करने वाला हूं, क्योंकि सामने वेपन है, देख रहे हो, मुझे यहीं से दिख रहा है, फूर्जो का वेपन उसका नाम है। इस वेपन की मदद से हम लोग इस सेफ को मारेंगे चाहे जो भी हो जाए। ये सेफ बिग हेड मेरे पीछे आ रहा है, इसे तो मैं अच्छी तरीके से निपटाऊँगा, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से निपटाऊँगा। ओके ओके, दूर हटते थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम लोग दूर होते जा रहे हैं। इसका हेल्थ मैंने आधा से भी डाउन कर दिया है, इसे मुझे पूरी तरीके से निपटाना ही निपटाना है चाहे जो भी हो जाए। क्या मैन, इसने मुझे एक बार पकड़ लिया, लेकिन इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। इस बार मेरे हाथ में पहले से वेपन है, उसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम है, मैं फिनिश कर दूँगा। ओके, मैंने उस सेफ को फिनिश कर दिया और सामने इस तरफ से एक डोर ओपन हो गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसी डोर से हम लोग आगे जाएंगे। फटाफट चलते अगले स्टेज में और देखते हैं अगला स्टेज कैसा होने वाला है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ एरो का सिंबल बना हुआ है, सीधा चलते हैं डायरेक्ट है। और यहाँ पे मेरा कैरेक्टर अपने आप स्क्रॉल होने लगा है। ओके, यहाँ पर स्क्रॉल होकर यहाँ पर लैंड भी कर चुका है। आगे चलते हैं फटाफट से, इसी लीडर की मदद से ऊपर चलते फटाफट से। ये रहा एग्जिट डोर, पहले से ओपन पड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे बिग हेड का एरिया है तो संभल के जाना पड़ेगा मुझे। ऊपर लेजर है, सारे लेजर से बचेंगे। पहला लेजर को हमने बीट कर दिया, अब चलते हैं सेकेंड लेजर की तरफ। सेकेंड लेजर को भी हम लोगों ने बीट कर दिया, अब चलते हैं थर्ड लेजर की तरफ। टोटल फोर्थ लेजर है तो मैंने इसे भी बीट किया। अब चलते हैं सबसे लास्ट फोर्थ, हम लोग पहुँच चुके हैं और अब देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस। और यहाँ एरो का सिंबल है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें जंप करके चलेंगे। अब हमारा होने वाला है सबसे लास्ट फाइट, यानी कि मैच रोबोट द बिग हेड से। ये रहा, मैं इसे फिनिश करूंगा। ऑलराइट गाइस, ये जाइंट बिग हेड फिनिश हो चुका है और सामने व्हीकल है, गैराज ओपन पहले से ही। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।